राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। अब कोरोना की दूसरी लहर लोगों के लिए फिर से मुसीबत बन रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना की दूसरे स्ट्रेन का अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल डिपार्टमेंट और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाहर से शहर में आने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर जिले में की जा रही व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता ने जैसलमेर की CMHO डॉक्टर मुरलीधर सोनी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। पूरे विश्व के साथ साथ देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, या यूं कहे कि एक जो है दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। लेकिन इस बीच सुखद खबर ये है कि भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले में ये जो लहर है या जो कोरोना की दूसरी लहर है उससे जो है वो जैसलमेर अछूता है। हमारे साथ ब्लॉक CMHO मुरलीधर जी सोनी है, इनसे जानते हैं कि जैसलमेर अब तक कैसे अछूता है इस दूसरी लहर से और आगे ये बढ़े नहीं इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। अभी जैसलमेर में गनीमत है कि बहुत ज़्यादा केस नहीं आ रहे हैं, इसमें सभी चिकित्सा विभाग और प्रशासन का पूरा एकजुट होकर के काम किया जा रहा है। जैसे कि जो बाहर जिलों से आ रहे हैं अपने ज़िले में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर टीमें हमारी लगाई हुई है, वहाँ पे उनको बिना जो नेगेटिविटी जांच है उसके अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। उनको अगर वो प्रवेश कर रहे हैं तो उनको हिदायत दी जाती है कि आप जो जाँच करवा कर जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक होम क्वारंटीन रहेंगे, और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे इस प्रकार के हमारे कम से कम 4 से 6 टीमें काम कर रही है। अभी जैसलमेर इस दूसरी लहर से छूता है और ये महामारी दोबारा जैसलमेर में नहीं आए इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हमने अभी कई दिनों से टीमें लगा रखी है गांव-गांव शहर शहर में। जैसे कि शहर में हमारी 15 टीमें हैं, ये घर घर जा रही है। हमारी लड़कियाँ हैं, आशा है, ANM है, हमारे चिकित्सा विभाग के कार्मिक है, वो जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन कोरोना का टीकाकरण चालू हो चुका है। ज़िले में कम से कम 30 जगह पर, शहर में 3 जगह पर टीकाकरण चल रहा है, आप आवें टीका लगावें। 1 तारीख से 45 साल से ऊपर वाले लोगों के भी लिए टीकाकरण जो अलाउ कर दिया गया है तो वो भी टीका लगावें, सभी बुजुर्ग और महिला जो टीका लगावें। तो इस प्रकार से टीकाकरण का कार्य चल रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हमारे पिछले कई दिनों से हमने सैंपलिंग भी बढ़ा दी है, हमारे PSC CSC सब सेंटर स्तर तक निर्देश दिए गए हैं कि वो अधिकाधिक संख्या में संभावित लोगों के सैंपल लेवें और कोरोना की जांच करावें, और इस प्रकार से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, सैंपलिंग करवाई जा रही है, जागरूकता बढ़वाई जा रही है। कई सारे प्रयास चिकित्सा विभाग और प्रशासन के मिलकर, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, ग्राम सेवक पटवारी वगैरह सब लोग इसमें जुटे हुए हैं। तो ये थे ब्लॉक CMHO डॉक्टर मुरलीधर सोनी जी, जिनका कहना है कि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को समझाइश की जा रही है कि जैसलमेर में दूसरी बार ये महामारी नहीं आए इसके लिए टीके लगाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैंपलिंग ली जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अलावा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस द्वारा हर जो शहर में आने वाले जो नाके हैं वहाँ पर नाकाबंदी करके सभी बाहरी राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं उनकी कोरोना की जांच नेगेटिव होने के बाद ही उनको शहर में प्रवेश दिया जा रहा। तो बहरहाल जैसलमेर का चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन सहित प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पंजाब केसरी TV के लिए जैसलमेर से गणपत दैया। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस ने भी बाहर से आने वाली यात्रियों की जांच के लिए जिले में आने वाले सभी बॉर्डर पर चौकियां लगाई हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना नेगेटिव जांच देखने के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने जिले की जनता से सावधानी रखने की अपील की है। देखिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सेकेंड जो स्ट्रेंथ आई है उसके बाद में हर आदमी चिंतित है कि अभी एक साल जो कोरोना के अंदर निकला, बड़े ही परेशानी से, लॉकडाउन से काफ़ी आर्थिक स्थिति अभी ख़राब हुई, तो वापस जो महाराष्ट्र और काफ़ी प्रदेशों के अंदर संख्या बढ़ रही है तो राजस्थान के लिए भी चिंता का विषय है। और काफ़ी जिलों में लॉकडाउन जो रात का जो कर्फ्यू है वो कर्फ्यू लगा है, इसलिए हमें पहले से सतर्क करना ज़रूरी है। तो मैं जैसलमेर के तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप विशेष तौर से जो सेकेंड स्ट्रेंथ है
जैसलमेर में अभी तक कोई भी केस नहीं आया है, 5-7 जो एक्टिव केस हैं इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो मेरा अपील है आप सबसे कि इसमें सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की आप पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए। आपने पहले भी सभी ने सहयोग किया, उस सहयोग से हम जो है जैसलमेर जिला कोरोना से बचा रहा, बहुत कम दूसरे जिलों से संख्या बढ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि सेकेंड स्ट्रेंथ जैसलमेर में अभी तक जो नहीं आई है वो सेकेंड स्ट्रेंथ यहाँ तक नहीं पहुँचे, उसके लिए सरकार की विशेष गाइडलाइन की पालना करेंगे। वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें भी आप लोग पूरा सहयोग करोगे, वैक्सीनेशन लोगे तो उससे आप और अपने परिवार का, अपना खुद का, आप अपने आप को सुरक्षित कर पाओगे, अपने आप को बचाव कर पाओगे और जैसलमेर का बचाव होगा। इसलिए मुझे मेरी अपील है कि आप लोग विशेष तौर से कोरोना के अंदर आप सब सहयोग करें। कोरोना की दूसरी लहर अब और भी खतरनाक होती जा रही है। देश भर में एक बार फिर हालात पहले की तरह बिगड़ने लगे हैं। अब हालात और ज्यादा खराब ना हो इसके लिए भी हमें उचित प्रबंध करने होंगे ताकि कोरोना को हराया जा सके। इसके साथ ही दौसा में भी कोरोना को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। मीणा, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, आप सब दौसा जिला निवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी का दौर फिर से सक्रिय होने लगा है, इसलिए सभी जनता कोरोना से बचने के लिए पूर्वानुसार कोरोना नियंत्रण के सभी उपायों को अपनाएं। मुंह पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से बचना, बार बार हाथों की धुलाई करना, सैनिटाइजर का उपयोग एवं डिस्टेंस की पालना आदि को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। मेरी यह भी अपील है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त बुजुर्ग जन तथा 45 से 60 वर्ष के गंभीर रोगों से पीड़ित लोग कोरोना रोधी टीका जल्दी से जल्दी लगवाएं। टीका लगवाने के लिए अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं। जिले के नौजवानों के लिए अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं। जिले के नौजवानों से मेरी अपील है कि बुजुर्गों का सहारा बने एवं इनको अस्पताल ले जाकर टीका लगवाते हुए अपना सामाजिक फर्ज पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के नेतृत्व में कोरोना महामारी के प्रथम दौर में भी बचाव के क्षेत्र में आगे रहे। आशा है कि आगे बढ़ती दिखाई दे रही कोरोना की महामारी को भी हम पूर्ण सावधानी एवं आवश्यक उपाय बरतते हुए आम जन की सुरक्षा करने में हम सफल होंगे। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब ये जरूरी है कि हम भी सावधानी बरतें और अपनी और अपनों की जान को खतरे में ना डालें। वहीं सरकार की ओर से भी लगातार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, साथ ही टीकाकरण की व्यवस्था भी जोरों पर है। पंजाब केसरी टीवी जैसलमेर के लिए गणपत दैया के साथ दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।